चाइना नैन्सी पेलोसी को रोकने की लगातार अपनी कोशिशें कर रहा था और अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका भी चाइना को जवाब देने के लिए हर तैयारी में जुटा है। चाइना ने आज फिर से एक वीडियो जारी किया जिसमें चाइना के सैनिक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को गिराने का अभ्यास कर रहे थे। चाइना अलग अलग वीडियो के जरिए अमेरिका पर दबाव बना रहा था जिससे कि नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं पहुंच सके। आज तो चाइना ने फिर से अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी थी। नैन्सी पेलोसी इस धमकी से नहीं डरी और थोड़ी देर पहले ताइवान पहुंच गई। अमेरिका भी चाइना को जवाब देने के लिए हर सैन्य ताकत अपना दिखा चुका है और हर तैयारी भी पूरी लगातार कर रहा है। ये देखिए, ये मूवमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये टैंकों की और ये सैन्य ताकत को दिखाने की जो कोशिशें थी वो लगातार जारी थी और इसके तहत दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। अमेरिका को ये संदेश चाइना देना चाह रहा था कि आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीन किस तरह से अपने टैंकों की गश्त बढ़ाकर ये एक संदेश दे रहा था कि अमेरिका का ये कदम बहुत ही आत्मघाती है। और ऐसे कदमों के बाद और ये भी संदेश लगातार जानकारी मिली कल कि चीन ने अपने 4 लड़ाकू विमान भी जो है वो ताइवान के एयर स्पेस में भी भेजे थे, यानी उकसावे की कार्रवाई और दबाव बनाने की लगातार जो है सियासत तेज चल रही है। और अमेरिका की जंगी जहाज़ है वो भी अपनी मूवमेंट को तेज़ कर चुके हैं। यानी अब इन तस्वीरों के जरिए चाइना दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश देना चाह रहा था कि किस तरह से अमेरिका के कदम से एक वॉर जोन सा क्रिएट होता जा रहा है। और सवाल अब ये भी उठेगा कि क्या ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि ताइवान यूक्रेन की तरफ नजर आएगा, यूक्रेन की तरह नजर आएगा, और दूसरी तरफ चाइना रशिया बनने की कोशिश में है। इसको भी जरा और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों में आप चाइना के उस दबाव की पॉलिसी को देख रहे हैं। हालांकि चाइना का ये स्टैंड या फिर चाइना का ये स्टंट कुछ नया नहीं है। हमने LAC पे भी देखा है कि लगातार ऐसे मिलिट्री अभ्यास की वीडियोस बनाकर वो हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है और इन तस्वीरों के जरिए दरअसल अमेरिका पे वही दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। चाइना के लगातार विरोध की अनदेखी करते थोड़ी देर पहले ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। इस वीडियो के जरिए चाइना चाहता था कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाने का अपना फैसला बदल दे, लेकिन नैन्सी पेलोसी नहीं मानी और वो ताइवान पहुंच चुकी हैं। और चीन सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, उसने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कुछ यही बता रहे हैं। इन वीडियोस में चीन की सड़कों पर टैंकों की कतारें नजर आ रही हैं। ये टैंक कहीं और नहीं पुजान प्रांत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, समंदर किनारे रेत पर दौड़ते ये टैंक एम्फीबियस टैंक है, यानी इन्हें जमीन के साथ पानी में समंदर में भी चलाया जा सकता है। और समंदर का ये किनारा ताइवान की धरती से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ यही नहीं, चीन अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग और शेनडोंग को भी मोर्चे में उतार चुका है। पहले ये जंगी जहाज अपने बंदरगाहों पर थे, लेकिन अब लायोनिंग को दक्षिण की तरफ जबकि शेनडोंग को उत्तर की तरफ रवाना किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन इन एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ताइवान की घेराबंदी करने वाला है। यानी चीन सिर्फ धमका ही नहीं रहा, उसने अपनी तरफ से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब चीन अगर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है तो अमेरिका ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने अपने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन समेत कई जंगी जहाजों को ताइवान के आसपास तैनात कर दिया है। USS रोनाल्ड रीगन फिलीपींस सागर में ताइवान के पूर्व में मोर्चा संभाल चुका है। इस युद्धपोत के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS NT-10 और विध्वंसक USS हिगिंस भी मैदान में है। इसके अलावा USS अमेरिका जापान के सेसिबो नेवल बेस में तैनात है। वहीं USS त्रिपोली भी ताइवान के आसपास ही है। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन और USS एक्सेस हवाई में तैनात है। वहीं ताइवान ने भी चीन के हमले की आशंका को देखते हुए जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया है।
पेलोसी के दौरे को देखते हुए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है ताकि अगर चीनी विमान घुसपैठ की कोशिश करें तो उन्हें जवाब दिया जा सके। सिर्फ फौज ही नहीं, ताइवान की जनता भी युद्ध की तैयारियों में जुट गई है। ये तस्वीरें राजधानी ताइपे की है। यहाँ लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई, यानी ये इलाका बारूद के ढेर पर है। युद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। कल ताइवान में कई अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, मतलब अगले 24 घंटे दुनिया में एक बड़े महासंकट की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं, और कृष्ण मोहन मिश्रा ने तमाम कॉन्फ्लिक्ट जोन जो वॉर के होते हैं उसको कवर किया है, और साथ ही साथ रविंद्र सचदेव भी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जरा सबसे पहले यही समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति क्या दर्शा रही है, क्या तनाव है, क्या चाइना अटैक के मोड में है, एक वॉर जोन क्रिएट हो रहा है? रोहित, उसका सबसे पहला जवाब तो यह है कि बहुत तनाव है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और खासतौर पर पिछले 24 घंटे में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले ही लग रहा था कि अमेरिका का रुख नरम हो रहा है चीन को लेकर, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों से जो भी चीजें हुई हैं उनसे ये लग रहा है कि हालात बहुत गंभीर है। नैन्सी पेलोसी को भेजना और उससे पहले आज कल की रात जो बाइडन का इस चीज की घोषणा करना कि उन्होंने जवाहरी को मार दिया, वो भी एक पोस्चरिंग थी, और उसके नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजना, और उसके बाद जो फोर्स मूवमेंट हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हुए हैं। अब्राहम लिंकन निमिट्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, न्यूक्लियर पावर से चलता है, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर होते हैं। दरअसल उस पूरे इलाके में अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बहुत तगड़ी मौजूदगी रही है। 7th फ्लीट अमेरिका की बे ऑफ जापान में रहती है, उसके अलावा नए मूवमेंट्स हुए हैं, कई वहां पर बेस हैं, हवाई, होनोलुलु और दूसरे किस्म के जो अमेरिका के बेस हैं जो पैसिफिक कमांड के अंदर आते हैं, वो बहुत ताकतवर है। चीन ने अपने आप को बहुत ताकतवर किया है, इस लगातार पिछले 30 साल से चीन अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है। दो एयरक्राफ्ट मैं दूसरे पॉइंट को जरा समझता हूं, रविंद्र सचदेव के पास एक बार जा रहा हूं, आऊंगा कृष्ण मोहन मिश्रा जी आपके पास भी, लेकिन रविंद्र सचदेव, ये क्या अगले कुछ मिनट्स कह लीजिए, घंटे कह लीजिए, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वॉर जोन सिनेरियो के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। और दूसरा पॉइंट इसमें ऐड ऑन करते हुए मैं समझूंगा छोटा सा, कि क्या यूक्रेन और रशिया वाली क्राइसिस की कंडीशन यहां भी बन रही है, और यूक्रेन की तरह अभी ताइवान नजर आ रहा है और रशिया की तरह चाइना, क्या ये कहना सही होगा? राजीव जी, दोनों आपके जो क्वेश्चन है उनमें कुछ कुछ सच्चाई का एलिमेंट है। पहली बात, अगले घंटे मिनट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, क्योंकि और कुछ होना हो, जो नैन्सी पेलोसी की जो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी, इनफैक्ट जो आ गई है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट में कहूंगा, जिसे कह दिया कि दुनिया में हमें डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में चुनना होगा, इन्होंने तो ये तो एक तरह की क्राइसिस को प्रेसिपिटेट किया जा रहा है अगर देखा जाए नैन्सी पेलोसी द्वारा, और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, नैन्सी पेलोसी एक कांग्रेशनल लीडर है, श्योर वो बाइडन के बहुत करीबी है, पर वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखती है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन मिलिट्री ने तो बल्कि ये कह दिया था। शुक्रिया रविंद्र सचदेव जी और कृष्ण मोहन मिश्रा जी, क्योंकि ये जो अभी हो रहा है इस पर हम सब लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो वाकई तनावपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हमारी जो अपडेट है वो लगातार पहुंचाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा।